अखिलेश यादव ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा। नेताजी की विरासत को संभालने के लिए बहू को मैदान में आना पड़ा। डिंपल यादव के आने से मैनपुरी सीट से लड़ाई हुई बड़ी जबरदस्त। बीजेपी में चल रही गहरी मंथन, बड़ी बहू के सामने उतरने जा रही छोटी बहू। क्या सपा परिवार का ही सदस्य बीजेपी से मैदान में उतरेगा? क्या डिंपल के सामने बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतारेगा? क्या यूपी की हॉट सीट मैनपुरी में परिवार की लड़ाई देखने को मिलेगी? जी, ये कई तरह के सवाल हैं जो हमारे जेहन में इस वक्त उठ रहे हैं। यूपी की मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीख की घोषणा होते ही चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर होने जा रही है। पूरे प्रदेश की जनता की नजरें इस वक्त मैनपुरी सीट पर है कि आखिर कौन होगा जो नेताजी की विरासत को संभालने वाला अगला उम्मीदवार बनेगा। इसी को लेकर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा सपा और भाजपा दोनों तरफ से सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में सपा ने इन सवालों पर विराम लगा दिया है। सपा ने अपनी सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा ने मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जो पूर्व सांसद है और अखिलेश यादव की पत्नी भी। सपा की तरफ से डिंपल का नाम प्रत्याशी के रूप में आते लोग हैरान हो गए, क्योंकि इस सीट से तेज प्रताप सिंह यादव को उतारने की चर्चा काफी दिनों से जोर शोर से चल रही थी। इधर जैसे ही सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा, तो उधर दूसरी तरफ चर्चा में एक नाम जो गूंजने लगा, वो है सपा परिवार की बहू अपर्णा यादव का। और मैनपुरी की ये सीट अब सबसे ज्यादा हॉट बन गई है। लोग ये कह रहे हैं कि डिंपल के सामने सपा परिवार की ही बहू मैदान में उतरेगी। फिलहाल बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि डिंपल यादव के सामने उन्हीं की देवरानी अपर्णा यादव मैदान में उतर सकती हैं। वहीं अगर सच में ऐसा हुआ तो ये लड़ाई पारिवारिक होने जा रही है। हालांकि अपर्णा के अलावा दूसरी तरफ चर्चाओं में कई और नाम है जो बीजेपी की तरफ से आने बाकी है। इसमें पूर्व प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य, पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य, विधायक ममतेज शाक्य जैसे कई बड़े नाम भी शामिल है। लेकिन संगठन सभी नामों से ऊपर किसी बड़े नाम की प्लानिंग कर रहा है, किसी बड़े चेहरे को उतारने की कोशिश कर रहा है। इसी को लेकर के लगातार बीजेपी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गहरा मंथन कर रही है, क्योंकि यूपी की मैनपुरी सीट काफी ज्यादा कांटे वाली बन गई है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले एक या दो दिन के अंदर बीजेपी डिंपल के सामने अपने प्रत्याशी के रूप में अपर्णा यादव के नाम की घोषणा कर दे। अपर्णा यादव के मैदान में उतरने से बीजेपी को होगा बड़ा फायदा। आपको बता दें कि मैनपुरी में यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसके अलावा शाक्य, पाल, लोधी, ब्राह्मण, ठाकुर जैसे कई जातियों के वोटर हैं, जिनमें बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अपर्णा यादव के उतरने और मुलायम सिंह यादव परिवार के नाम के चलते भाजपा को यहाँ यादव वोटर्स के भी वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी जातियों के वोट भी बीजेपी के नाम ही आएंगे। यही वजह है कि परिवार की राजनीति खेलकर बीजेपी इस सीट को जीत सकती है। एक और बात जो शायद कोई नहीं जानता कि मैनपुरी नेताजी की सीट होने की वजह से पीएम मोदी कभी भी उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करने या कोई रैली जनसभा करने आज तक नहीं आए हैं। ये पीएम मोदी का नेताजी के प्रति एक बड़ा सम्मान था, जो अब तक काफी लंबे समय से चलता आ रहा था, जो बीजेपी और मोदी दोनों ने हमेशा नेताजी के लिए इसे बरकरार भी रखा और इस सम्मान को देते रहे। लेकिन नेताजी के गुजरने के बाद बीजेपी अब पूरे मूड में है। इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम वो नेता, यहां तक कि मोदी खुद भी अपर्णा के लिए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वहीं बीते 2019 के चुनाव में भाजपा ने मैनपुरी में अपना जनाधार बढ़ाया है। भले ही ये सीट नेताजी की विरासत मानी जाती हो, लेकिन धीरे धीरे करके इस किले को बीजेपी ने भेदना शुरू कर दिया है। साल 2019 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव के सामने बीजेपी ने भाजपा के प्रेम सिंह शाक को मैदान में उतारा था। उस चुनाव में मुलायम सिंह यादव को 5,24,926 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के प्रत्याशी को 4,30,537 वोट मिले थे। ये सीट मुलायम सिंह ने 94,389 वोटों से जीत ली थी। लेकिन दोनों प्रत्याशियों में जीत का जो प्रतिशत था वो काफी ज्यादा असर डालने वाला था। सपा का वोट प्रतिशत 54% था तो बीजेपी का 44%। दूसरी तरफ भाजपा की नजर सपा के कई नेताओं पर भी है, जो नेताजी से गहरा जुड़ाव रखते थे, जो सिर्फ नेताजी के रहते हुए ही उनसे जुड़े थे। ऐसे नेताओं को भी बीजेपी अपनी पार्टी में जोड़ने की तैयारी में जुट गई है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो पहले ही मैनपुरी सीट पर जीत हासिल करने का दावा कर चुके हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, क्योंकि जब सपा परिवार की दो बहू आमने सामने एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बनकर उतरेंगे, तो अखिलेश के साथ साथ पूरे सपा परिवार और यहाँ की जनता के लिए भी किसी चुनौती या मुश्किल भरे पल से कम नहीं होगा। फिलहाल आने वाले एक दो दिनों के अंदर बीजेपी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के सामने बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है? हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दें।